नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। बात करेंगे दोस्तों चिकित्सा विभाग की 8 बड़ी भर्तियों को लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों भर्तियों का मुद्दा गरमाया है और आप सभी को पता होगा कि बाहरी राज्यों की जांच लगभग जो है इन सभी भर्तियों की लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल और केवल जो मामला अटक रहा है वो है पुनर्सत्यापन का मामला। 4 महीने से हो रही है सबसे ज़्यादा लापरवाही और इसी मामले को लेकर के जो SCS मैडम है उसकी नाराज़गी के बाद अब भर्तियों में गति देखने को मिलेगी। इसी के अलावा लापरवाह जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्यवाही को लेकर के एक आदेश जारी किया गया है और डॉक्यूमेंट्स नहीं लाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। NM, NO, LT, RT, फार्मासिस्ट सभी भर्तियों को लेकर के दोस्तों बताना चाहेंगे कि NM और NO के जो है अभी तक पुनर्सत्यापन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब 1-2 दिन में जो है लेटर जारी हो जाएगा। तो क्या कुछ मामला है आज ही के सच बेधड़क दैनिक भास्कर की ये न्यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के लिए नहीं पहुंच रहे नियंत्रण अधिकारी, विभाग ने चेताया। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बस अब और नहीं, हो जाओ पेश, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहो तैयार। दोस्तों ये जो है SCS मैडम की सख्त जो है कार्रवाई की जा रही है SCS मैडम के द्वारा उनकी नाराजगी को देखते हुए। बस अब और नहीं, हो जाओ पेश, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अधिकारियों की लापरवाही को की वजह से जो है पुनर्सत्यापन का मामला जो कार्य है वो लगातार जो है काफ़ी धीमी गति से जो है चल रहा है। समय पर डॉक्यूमेंट से नहीं लाने वाले अधिकारियों पर जो है अब एक कार्यवाही की जाएगी। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं SCS मैडम की नाराज़गी के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, 4 महीने से हो रही लेट लिथिपी, ये देखिए दोस्तों, ये रहा पूरा मामला। गौरव मतलब है कि प्रशासनिक विभाग के गत 22 नवंबर 2023 आदेश के द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल वर्ग की भर्ती के लिए विभिन्न आवेदकों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में निदेशक राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर ने विभिन्न पत्रों द्वारा आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्र पुनर्सत्यापन किए जाने के संबंध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथियों को स्वयं व्यक्तिगत तथा उत्तरदायी अधिकारी को सीपू में उपस्थित होने के नियंत्रण अधिकारियों को अनुरोध किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके भर्ती को पूरा करने के लिए अधिकारी भर्ती एजेंसी सीपू के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। 4 महीने से जो है ये पुनर्सत्यापन का कार्य इतना धीमी गति से चल रहा है कि केवल और केवल अभी तक LT का जो है पुनर्सत्यापन हुआ है, अभी तक NM बहनों का पुनर्सत्यापन का कार्य बाकी है, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर का पुनर्सत्यापन का कार्य बाकी है। तो कब तक ये पुनर्सत्यापन होगा? अगर अधिकारी लोग ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो इन बेरोजगारों को कब तक जो है नियुक्ति मिल पाएगी? इसी को देखते हुए SCS मैडम ने जो है नाराजगी व्यक्त की है। बहरहाल इस मामले को चिकित्सा विभाग के SC सुब्रा सिंह ने गंभीरता से लिया। सिंह ने पिछले दिनों चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में भर्ती की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद SCS के निर्देश पर विभाग के निदेशक अराजपत्री राकेश कुमार शर्मा ने 9 अप्रैल को एक पत्र जारी किया। इसमें मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए संबंधित नियंत्रण चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं व्यक्तिगत या अनुभव प्रमाण पत्र पुनर्सत्यापन के लिए कार्मिक को समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सारणी के अनुसार सीपू में उपस्थित होने के निर्देश दिए। वही इस निर्देश की पालना नहीं होने की स्थिति में संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो है कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इसके लिए अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होने को बताया गया है। तो दोस्तों निर्धारित तिथि को अगर कोई भी अधिकारी या व्यक्तिगत रूप से डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित नहीं होता है तो उसके ऊपर जो है अनुशासनात्मक जो है कार्यवाही की जाएगी। ये जो है एक लेटर जारी किया गया है और अब भर्तियों का जो है कुछ समाधान जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, 4 महीने से जो है लापरवाही देखने को मिल रही है।
इन भर्तियों को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल वर्क की प्रक्रियाधीन भर्ती 2023 को पूरी करने को लेकर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है। लंबे समय से विभाग के अधिकारी भर्ती पर कुंडली मारकर बैठे हैं। भर्ती एजेंसी सिवकू की ओर से भर्ती आवेदकों के जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के लिए कई बार नियंत्रण अधिकारियों को पत्र लिखा गया। उन्हें व्यक्तिगत या उत्तरदायी अधिकारी को सीपू में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया, लेकिन इस कार्य के लिए सीपू में उपस्थित होने वाले कार्मिक निर्धारित समय सारणी के अनुसार उपस्थित नहीं हो रहे हैं व न ही इससे संबंधित वांछित पूर्ण रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हो रहे हैं। अगर कोई उपस्थित हो भी रहा है तो वो काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लेकर के भी नहीं आ रहे हैं, यानी पूर्ण डॉक्यूमेंट्सों के साथ अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ना ही जो है समय तिथि के अनुसार उपस्थित हो रहे हैं। वहीं पूछे जाने पर उनके द्वारा संतोषप्रद जो है जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है। वहीं बेरोजगार युवा नियमित नौकरी के लिए दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, अब जो है कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई अधिकारी समय पर डॉक्यूमेंट नहीं लाता है, कोई अधिकारी लापरवाही करता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए स्वयं व्यक्तिगत जो है अधिकारी स्वयं में उत्तरदायी होगा। ये देखिए दोस्तों, ये लेटर जारी किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब के ऊपर जो है ये लेटर जारी लागू होता है और इन सबको जो है निर्देशित किया जाता है कि जल्द से जल्द जो भी CMHO हो PMHO हो उनको जल्द से जल्द समय तिथि के अनुसार जो है सीपू में उपस्थित होना है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये जो आप देख सकते हो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल वर्क की प्रक्रियाधीन भर्ती के संदर्भ में जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त की पालना नहीं होने की स्थिति में संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो है कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा राकेश कुमार शर्मा, निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर के। तो दोस्तों ये एक बैठक बुलाई गई थी प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा। समीक्षा बैठक में उपरोक्त स्थिति पर जो है नाराजगी व्यक्त की गई है SCS मैडम के द्वारा। नाराजगी के बाद भर्ती में दोस्तों तेजी देखने को मिली है और उन्होंने सख्त जो है निर्देश के जो है आदेश जारी किए हैं। जो भी अधिकारी लोग हैं अगर कोई लापरवाही करेगा, डॉक्यूमेंट समय पर नहीं लाता है, तिथि पर समय तिथि के अनुसार उपस्थित नहीं होता है, तो उनके ऊपर जो है सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि करीब करीब बाहरी राज्यों के जो है डिग्री डिप्लोमा की जो जाँच है वो लगभग जो है कम्प्लीट हो चुकी है, लगभग जो है कम्प्लीट मान के चलिए आप। अब केवल और केवल जो मामला अटक रहा है वो है अनुभव पुनर्सत्यापन को लेकर के, क्योंकि अभी तक LT के जो है पुनर्सत्यापन जो है उनमें भी जो है लेट लिपि चल रही है और अब NM बहनों का जो है अभी तक आदेश नहीं आया है, तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा NM बहनों के लिए, फिर उसके बाद में नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अगर ऐसे ही इन अधिकारियों के द्वारा अगर कोई लापरवाही चलती रहेगी तो इन भर्तियों का जो है किसी भी समय पर जो है कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, इन बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं मिल पाएगी अगर ये अधिकारी ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो। तो इसी को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने जो है एक लेटर जारी किया गया है, जो भी अधिकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं लाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाइए। SCS मैडम की नाराजगी के बाद भर्तियों में गति देखने को मिली है, यह आदेश जारी किया गया है। और आज ही के ये सच बेधड़क की न्यूज़ में आप देख सकते हो यहाँ पे इस मामले को जो है उठाया गया है। और अब देखते हैं दोस्तों कब तक जो है NM बहनों का पुनर्सत्यापन का जो है आदेश जारी होता है। जैसे ही आदेश जारी होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा नया टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।